स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है लीवर। तो लीवर की अगर बात करते हैं तो लीवर क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑर्गन है, यानी कि इट इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी। लीवर की लोकेशन की अगर बात करेंगे तो लीवर इज लोकेटेड, लोकेशन की अगर बात करते हैं तो लोकेशन क्या होगी लीवर की? लीवर इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। कहां पर होगा ये? एब्डोमिनल कैविटी में है एंड बिलो डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे। तो लीवर क्या है? इट इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हैवीएस्ट की अगर बात करते हैं तो इसका वजन कितना हो सकता है? इट कुड बी 1.5 to 1.2 to 1.5 kg, 1.2 kg से लेकर 1.5 kg तक इसका वजन हो सकता है। लीवर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चरल लीवर किससे बना होता है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या है? इट इज हिपैटिक लोब्यूल्स। लीवर किससे बना है? हिपैटिक लोब्यूल से बना है एंड दीज लोब्यूल्स कंटेन्स हिपैटिक सेल्स। इनमें क्या दिए होते हैं? हिपैटिक सेल्स दिए होते हैं और ये हिपैटिक सेल्स एक रस्सीनुमा संरचना में अरेंज होते हैं, यानी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, जिनको हम लोग हिपैटिक कॉर्ड्स भी कह सकते हैं, हिपैटिक कॉर्ड्स भी कहा जा सकता है। हिपैटिक लोब्यूल जो है, ये हिपैटिक लोब्यूल दे आर कवर्ड विद थिन शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली सी चादर से, एक पतली सी परत से कवर्ड रहते हैं और इस पतली सी शीथ को हम लोग कहते हैं ग्लिसंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लिसंस कैप्सूल इसको कहा जाता है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो लीवर का एक्चुअल में हिपैटिक शब्द का इसलिए प्रयोग हो रहा है बार बार, क्योंकि लीवर को हम लोग हिपर भी कहते हैं, H-E-P-A-R, हिपर। तो लीवर इज ऑल्सो नोन एज हिपर, तभी हम लोग बार बार यहां पर हिपैटिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लीवर का यूनिट हिपैटिक लोब्यूल्स, हिपैटिक लोब्यूल किससे बने? हिपैटिक सेल से। ये सेल्स किस फॉर्म में अरेंज है? हिपैटिक कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज है, क्लियर। और हिपैटिक लोब्यूल्स को कवर करने वाली जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, जो परत है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लिसंस कैप्सूल। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो दीज हिपैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। ये किसका सिक्रीशन करते हैं? बाइल जूस का सिक्रीशन करते हैं। तो दीज हिपैटिक सेल्स सिक्रीट्स बाइल जूस, दे सिक्रीट्स बाइल जूस। ओवरऑल हम लोग ये पढ़ते हैं कि लीवर क्या सिक्रीशन, किसका सिक्रीशन करता है? बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। ये बाइल जूस क्या करेगा? ये बाइल जूस मुख्य रूप से इन्वॉल्व होता है फैट के इमल्सिफिकेशन में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट को तोड़ता है, डाइजेशन नहीं कर रहा है, ये तोड़ रहा है। इसको हम लोग
डाइजेस्टिव, कभी कभी इसको आपको मिलेगा कि इसको डाइजेस्टिव नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि डाइजेशन के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था डाइजेशन कहीं पर भी होगा तो वो इंजाइम होगा उसमें, तो एक्चुअल में बाइल जूस जो है ये फैट को तोड़ रहा है, फैट के बड़े टुकड़ों को फैट के छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो तोड़ने में कोई इंजाइम नहीं है इसके पास, तो ये ध्यान रखिएगा बाइल जूस डू नॉट कंटेन एनी इंजाइम, बाइल जूस में किसी भी प्रकार का इंजाइम नहीं होता है, बस ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, एक्चुअल में ये फैट को तोड़ देगा और वो जो फैट के छोटे टुकड़े हैं जो माइसिलीज हैं उस पर फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स काम करेंगे जिनको हम लोग लाइपेज कहते हैं, और वो लाइपेज इन छोटे टुकड़ों को तोड़ देंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि हिपेटिक सेल ने क्या सिक्रीट किया, बाइल जूस, यानी ओवरऑल लीवर से क्या सिक्रीट हुआ, बाइल जूस सिक्रीट हुआ। तो अब देखते हैं आगे, जो बाइल जूस है तो बेसिकली लीवर से क्या रिलीज हुआ, बाइल जूस, बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय लीवर। अब ये बाइल जूस कहां चला जाएगा, इट विल गोइंग टू द गॉल ब्लैडर, ये कहां पर चला जाएगा, गॉल ब्लैडर में चला जाएगा, जो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस गॉल ब्लैडर इज कैप्सूल लाइक, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, लगभग 30 से 50 ml, यानी अबाउट 30 टू 50 ml क्या हो सकती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। उसके बाद देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि लीवर से गॉल ब्लैडर में ये जूस जो है, समझिएगा, गॉल लीवर से बाइल जूस निकल रहा है और गॉल ब्लैडर में क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है एक तो बाइल जूस का, और दूसरी चीज क्या हो रही है, कंसंट्रेशन हो रहा है बाइल जूस का। तो लीवर इज सॉरी गॉल ब्लैडर इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस, ये बाइल जूस को स्टोर भी कर रहा है और कंसंट्रेट भी कर रहा है। लेकिन अब समझिएगा, बाइल जूस निकला कहां से, लीवर से, ये स्टोर कहां पर हुआ, गॉल ब्लैडर में हुआ, लेकिन ये काम कहां पर करेगा भाई, बाइल जूस जो है वो काम करेगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय लीवर, बाइल जूस की तीन खास बातें क्या है, इट इज सिक्रीटेड बाय लीवर, स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर, एंड इट वर्क्स इन, यानी इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, डियोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे डियोडेनम की स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, कार्य करता है। तो अब समझना होगा कि यहां से लीवर से निकलकर इस इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम तक कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि ये कोई हार्मोन तो है नहीं, इट इज ए डाइजेस्टिव जूस, तो किसी ना किसी नली के माध्यम से ये पहुंच रहा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं उसकी तरफ, बेटा लीवर से कौन सी डक्ट निकलती है, लीवर को हम लोग को याद रखना होगा, लीवर को हिपर भी कहते हैं, तो हिपर से निकलने वाली डक्ट कौन सी, बाइल, हिपैटिक डक्ट, कौन सी है, दैट इज हिपैटिक डक्ट। उधर गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अब समझिएगा बात को, हिपर से निकल रही है हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से निकल रही है सिस्टिक डक्ट, और दीज हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट यूनाइट्स, ये यूनाइट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, और ये क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है बेटा, दिस कॉमन बाइल डक्ट
ये जो बाइल डक्ट बनी, ये कॉमन बाइल डक्ट जो है, इट कंबाइंस विद पैनक्रिया से निकलने वाली डक्ट। पैनक्रियाज जो है उनसे जो डक्ट निकल रही है जिसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ये बेटा बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जब यूनाइट करते हैं तब बन जाता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या बना देता है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना देता है बेटा। एंड दिस हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इट ओपन्स इन डियोडेनम। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में खुलता है और इसकी जो ओपनिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी ओपनिंग जो है, ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय द ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इसको कौन गार्ड करता है? इट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इसको कौन गार्ड करता है? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी गार्ड करता है। तो लीवर लार्जेस्ट और हाइएस्ट ग्लैंड है। इसकी लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी में है, डायाफ्राम के नीचे दिया हुआ है। ये लीवर से बाइल जूस निकलता है, ये बाइल जूस स्टोर और कंसंट्रेट होने के लिए गॉल ब्लैडर में जाता है और ये बाइल जूस कार्य कहां पर करता है? डियोडेनम में। हमने आपको बताया कि कैसे कैसे डक्ट्स मिल रही है और फाइनली ये बाइल जूस जो है ला करके डियोडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है उसमें छोड़ा जा रहा है। अब आगे देखते हैं लीवर से जो बाइल जूस रिलीज हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाइल जूस लीवर से क्या रिलीज हो रहा है? बाइल जूस। बाइल जूस पर क्वेश्चंस आते रहे हैं लगातार। बाइल जूस की अगर बात करेंगे तो दिस बाइल जूस इज अल्कलाइन। ये जो बाइल जूस है ये कैसा होगा? इट इज अल्कलाइन। ये अल्कलाइन होता है। बाइल जूस जो है इसका मुख्य फंक्शन जो है ओवरऑल फंक्शन सीधे पूछता है तो आपको टिक लगा देना है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखिए मैंने डाइजेशन ऑफ फैट नहीं लिखा है, मैंने लिखा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। डाइजेशन इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि यहां पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है बाइल जूस में, वरना इमल्सिफिकेशन की जगह लिखा जाता डाइजेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब ये जो फैट के बड़ा टुकड़ा है, मान लीजिए ये लार्जर फैट ग्लोब्यूल है, इसको ये फैट के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहा है। दे आर स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स और ये कर कौन रहा है? बाइल जूस कर रहा है। और ये फैट छोटे फैट ग्लोब्यूल जो माइसिलीज बने हैं जिनको कहते हैं, इन पर दूसरे फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको लाइपेज कहते हैं, लाइपेज काम करके इनको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अमाउंट ऑफ बाइल जूस पूछा गया है कि कितना बाइल जूस हमारी बॉडी में रिलीज हो सकता है। अमाउंट ऑफ बाइल जूस, अगर बाइल जूस के अमाउंट की बात करेंगे तो पर डे हमारी बॉडी में 1 से 1.5 लीटर बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, लेकिन ये मात्रा बढ़ भी सकती है क्योंकि अमाउंट ऑफ बाइल जूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फैट इन मील। यानी कि जितना भी बाइल जूस निकल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फैट के अमाउंट पर, यानी जितना भी खाने में वसा यानी कि फैट या लिपिड खाया जा रहा है उतना ज्यादा उसको तोड़ना भी पड़ेगा, उसका उतना ज्यादा उसका इमल्सिफिकेशन भी होगा। तो इस तरह से हम लोग जितना भी फैट यूज करेंगे
उतना ही ज्यादा बाइल जूस का सिक्रीशन हो सकता है। क्लियर। आगे जब पढ़ते हैं तो बाइल जूस के अगर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बाइल जूस की अगर बात करते हैं तो दो मेन कंपोनेंट्स हैं यहां पर, और भी होते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। एक है आपका बाइल पिगमेंट्स और दूसरा है बाइल सॉल्ट्स। बाइल पिगमेंट की अगर बात करते हैं तो बहुत कॉमन सा नाम है, हम लोगों को याद रहता है। बाइल पिगमेंट हम लोग कहते हैं बाइल रूबिन एंड बाइल वर्डिंग। बाइल रूबिन एंड बाइल वर्डिंग आर नोन एज बाइल पिगमेंट्स। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और ये बनते कैसे हैं, बाइल रूबिन और बाइल वर्डिंग यानी द बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं। किससे बनते हैं, हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं। हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा बाइल पिगमेंट बनेगा। क्लियर। बाइल पिगमेंट जो है इनकी मात्रा अगर नॉर्मल कंसेंट्रेशन से ज्यादा हो जाती है तब हमारी शरीर में एक बीमारी का जन्म होता है जिसको हम लोग जॉन्डिस या हिंदी में पीलिया कहते हैं। तो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ बाइल पिगमेंट्स, बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा आपको बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कौन सी बीमारी होगी, तो हो जाएगा जॉन्डिस। और अगर आपने महसूस किया होगा जिस पे भी जॉन्डिस होता है वो एनीमिक हो जाता है। एनीमिक का मतलब उसमें खून की कमी हो जाती है। क्लियर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बाइल पिगमेंट्स बढ़ गए हैं, ये येलोइश अपीयरेंस होता है इनका, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन का। और जब उसमें ये पिगमेंट्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन टूट भी ज्यादा रहा होगा। हीमोग्लोबिन ज्यादा टूट रहा होगा तो जाहिर सी बात है शरीर में रक्त की मात्रा यानी ब्लड का अमाउंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। और जब आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल कंसेंट्रेशन से देन दैट इज नोन एज एनीमिया, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं बाइल सॉल्ट्स में। बाइल सॉल्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, दे कुड बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो बाइस में मिलते हैं। और इन्हीं की वजह से नेचर कैसा होता है बाइल जूस का, एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन इन नेचर, दे प्रोवाइड एल्कलाइन नेचर टू द बाइल जूस। उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टॉरोकोलेट और दूसरे सॉल्ट्स होते हैं ग्लाइकोकोलेट। वन इज टॉरोकोलेट एंड द अदर इज ग्लाइकोकोलेट। ये टॉरोकोलेट कौन से होंगे, सोडियम टॉरोकोलेट, पोटेशियम टॉरोकोलेट। और ग्लाइकोकोलेट भी बेटा इसी तरह से दो होंगे, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। तो दिस इज अबाउट द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ द बाइल जूस। और ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं एक्चुअल में यही क्या करवा रहे हैं, इमल्सीफिकेशन ऑफ फैट करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से बाइल जूस की बात हो गई, और इतना आपको जरूर याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद कुछ और चीजें, जैसे फंक्शन ऑफ बाइल जूस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल अगर फंक्शन देखते हैं बाइल जूस का, फंक्शंस ऑफ बाइल, एक तो इमल्सिफिकेशन हो गया, और साथ साथ एक फंक्शन चाहे तो और याद रखिएगा, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेजेस।
ये लाइपेज एंजाइम, लाइपेज यानी कि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम को भी क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं ताकि वो कार्य करें, और इनका नेचर एल्कलाइन हो जाएगा, फंक्शन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाकी सारी चीजें कंपोनेंट्स आपको बता दिया गया है, एल्कलाइन है यानी कि इसका पीएच भी लगभग इतना हो सकता है, लगभग 7.7 के आसपास इसका पीएच होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द लीवर एंड बाइल जूस। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल रवीज नीट बायोलॉजी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू।